भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई। सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी राज्यसभा में दी। बीते 3 साल में मोदी सरकार ने 16 भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के खिलाफ केस को मंजूरी दी। भ्रष्टाचार के आरोपों में 3 आईएएस अधिकारी सस्पेंड किए गए। 3 साल में 15 जून में सेवा अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का 15 वन सेवा अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिनमें से 7 भ्रष्ट अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी दी गई। दिल्ली में मंदिर तोड़फोड़ मामले में विजय गोयल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। गोयल के साथ हंसराज हंस, मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। विजय गोयल का आरोप, केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन ने पार्किंग के झगड़े को सांप्रदायिक बनाया। केजरीवाल समेत उनके किसी भी मंत्री ने घटना की निंदा नहीं की। संसद में बजट से पहले पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण पर पीएम मोदी का ट्वीट, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए सर्वे को अहम दृष्टिकोण बताया। पीएम मोदी ने लिखा, आर्थिक सर्वेक्षण में सामाजिक क्षेत्र में उन्नति के अलावा औद्योगिक विकास का जिक्र, तकनीक के इस्तेमाल और ऊर्जा संरक्षण की जरूरत पता चलती है। इससे पहले आज ही संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। 2019-20 में जीडीपी 7% रहने का अनुमान। सरकारी बैंकों में एनपीए बढ़ने की आशंका। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने तैयार किया आर्थिक सर्वेक्षण। साल 2019-20 में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद। आर्थिक सर्वेक्षण में निर्यात में सुधार की भी उम्मीद जताई गई। 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का लक्ष्य। 8% पर जीडीपी को बनाए रखने की चुनौती। वित्त वर्ष 2019-20 में मांग बढ़ने से निवेश की दर बढ़ेगी, एनपीए में गिरावट आएगी, ग्लोबल ग्रोथ भी कम रह सकती है। सर्वे के मुताबिक चुनावों से जुड़ी आशंकाएं भी जनवरी मार्च में जीडीपी ग्रोथ घटने की वजह रही। 5 साल में सबसे कम रही ग्रोथ रेट। देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद। 14 जून तक देश में कुल 42,220 करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद। कल संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सूत्रों के मुताबिक बजट में सरकारी बीमा कंपनियों को मिल सकती है बड़ी पूंजी। यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल और नेशनल इंश्योरेंस को 3,000 करोड़ तक सरकार पूंजी दे सकती है। आर्थिक सर्वे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का तंज। कहा, विकास दर के बड़े बड़े दावों से देश के 130 करोड़ गरीबों, मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों का भला नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान से फिर दो टूक कहा, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं। पाकिस्तान जल्द से जल्द हाफिज सईद को भारत को सौंपे। आरएसएस मानहानि केस में मुंबई की शिवडी कोर्ट से मिली राहुल गांधी को अग्रिम जमानत। राहुल गांधी ने कोर्ट में ₹15,000 का मुचलका भरा। राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता ने संघ की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में आरएसएस का हाथ बताया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया। राहुल ने कहा, आरोप बेबुनियाद है। राहुल ने कहा, मैं अपनी बात पर कायम हूं। जिस तरह पिछले 5 साल से लड़ रहा हूं, उससे 10 गुना ज्यादा क्षमता से लड़ाई जारी रखूंगा। राहुल गांधी ने कहा, यह विचारधाराओं की लड़ाई है, लगातार आक्रमण हो रहे हैं, मजा आ रहा है। आरएसएस मानहानि केस में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी भी पेश हुए। येचुरी को 15,000 के बॉन्ड पर जमानत दी गई। मुंबई के शिवडी कोर्ट में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने सिगरेट पी। कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना मना है। एनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की विशेष अदालत का फैसला। इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने की अर्जी मानी। केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आरोपी हैं। आकाश विजयवर्गीय के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक नितेश राणे की सरेआम गुंडागर्दी। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को बंधक बनाया। इंजीनियर को कीचड़ से नहलाया गया, पुल पर भी बांधा। इंजीनियर के साथ रास्ते का मुआयना करने गए थे नितेश राणे, सड़क पर गड्ढे देकर भड़के। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बना। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। कोलकाता में तमाम आलोचनाओं के बावजूद सांसद नुसरत जहां पहुंची जगन्नाथ मंदिर। सीएम ममता बनर्जी के साथ मंगला आरती में शामिल हुई।
अपनी वेशभूषा पर सवाल उठाने वाले कट्टरपंथियों को नुसरत ने आज भी करारा जवाब दिया। साड़ी के पहनावे, मांग में सिंदूर के अलावा गले में मंगलसूत्र पहनकर यात्रा में हुई शामिल। नुसरत जहां को एस्कॉन की तरफ से न्योता भेजा गया था। कार्यक्रम में पहुंचकर नुसरत जहां ने ममता बनर्जी के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को भी रवाना किया। कोलकाता के बाद सीएम ममता बनर्जी हुगली की रथ यात्रा में भी शामिल हुई, भगवान जगन्नाथ की पूजा की। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भाई बहन के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाएंगे जगन्नाथ। गुजरात के गांधीनगर में जगन्नाथ यात्रा से पहले हुई मंगला आरती, गृहमंत्री अमित शाह पत्नी सोनल शाह के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस पर निशाना, ट्विटर पर लिखा, देश में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए संघ जिम्मेदार। मॉब लिंचिंग मामले की तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कोर्ट ने कहा इस मामले को उचित वक्त पर सुना जाएगा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी विधायक सोमदत्त को 6 महीने जेल की सजा सुनाई, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2015 में हुए मारपीट मामले में दोषी पाए गए थे। विधायक सोमदत्त ने 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान एक व्यक्ति से मारपीट की थी, 50 से 60 समर्थकों के साथ शिकायतकर्ता के घर में घुसकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने जारी किए निर्देश, यात्रा में डीजे और माइक पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन डीजे पर सिर्फ भजन बजेंगे। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया, हेलीकॉप्टर से निगरानी के लिए कहा, पुष्प वर्षा भी की जाएगी। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने लगाई फटकार, अगली सुनवाई में पेश हों सलमान। सलमान खान के वकील ने कोर्ट से पेशी में छूट की अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सलमान को पेश होने के लिए कहा। सलमान खान के पेश न होने पर जमानत खारिज होगी, 27 सितंबर को अगली सुनवाई पर सलमान को पेश होना होगा। दिल्ली समेत एनसीआर में तूफान के साथ बारिश होने की आशंका, मौसम विभाग का अनुमान, अगले 2 घंटे में नोएडा, दादरी, गाजियाबाद में होगी बारिश। मुंबई में हल्की राहत के बाद फिर शुरू हुई बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, शाम तक ट्रैफिक पर असर दिखेगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बांध टूटने से तबाही, कई गांव में घुसा पानी, 14 लोगों के शव मिले, एनडीआरएफ की टीम बचाव में लगी है। रत्नागिरी में बांध टूटने के बाद 14 लोग अब भी लापता हैं, जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोग भी बचाव के कार्य में जुटे हैं। उत्तराखंड में 24-48 घंटे के बीच भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग, चारधाम यात्रा पर राज्य सरकार की नजर। यूपी के बाराबंकी में हाईवे पर पलटे तेल टैंकर में लगी आग, वक्त रहते टैंकर ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान, आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया।